फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से मुझे काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो टेलरिंग बिजनेस है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, और भी बहुत सारे टिप्स जो भी हमें इस बिजनेस में ध्यान में रखने चाहिए, कौन कौन सी चीजों से हमें हेल्प मिलेगी अपने बिजनेस को बढ़ाने में। इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन मुझे पूछे जा रहे हैं कॉमेंट्स में, यूट्यूब वीडियोज में भी, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली कॉमेंट्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर बात की जाए, क्योंकि हम लोग ड्रेस बनाना तो सिखा देते हैं, लेकिन अगर कोई काम कर रहा है तो उसके काम में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कौन से चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, इन चीजों का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है एक बिजनेस को रन कराने के लिए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी किस तरह से मैंने जीरो से और एक हाई लेवल तक मैं लेके गई थी अपने बुटीक को, क्या क्या मैंने किया था, कौन सी चीजों ने मुझे हेल्प करी है, तो वो सारी चीजें वीडियो में शेयर करूंगी। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रीति और आपका स्वागत है आपके चैनल स्टाइलन में, जहाँ हम कटिंग और स्टिचिंग सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के जो टिप्स क्या क्या मैंने किया है उन सबको बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कौन कौन सी चीजें एक टेलर या फिर आप बुटीक रन कराते हो तो उनको आना चाहिए, कौन कौन सी चीजों पे फोकस उनका हमेशा होना चाहिए, ठीक है। तो उनमें सबसे पहला आता है एक टेलरिंग बिजनेस के लिए कि आपको फिटिंग, ठीक है, नंबर वन पे आता है हमारा फिटिंग। फिटिंग बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। आपकी अगर ड्रेस में हल्की सी फिनिशिंग कम भी हो तो भी चल सकती है, अगर आपका उसमें फिटिंग बहुत ही अच्छा देते हो, ड्रेस में बहुत ही अच्छी फिटिंग है, कस्टमर हैप्पी है आपकी ड्रेस की फिटिंग से, तो ये चीज आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो सबसे पहले फिटिंग पे आपको फोकस करना है। कोई भी ड्रेस हो आप बनाते हो, ठीक है, कस्टमर को देने से पहले आप उसको अच्छे से चेक कर लीजिए, मेजरमेंट कर लीजिए कहाँ से क्या है, जितना बस्ट है उतना आपका आया है या नहीं आया है, जितना लूजिंग बोला गया है उतना आपने दिया कि नहीं दिया है, ये सारी चीजें आपको एकदम चेक कर लेना है और उसके बाद ही कस्टमर को वो प्रोडक्ट देना है। इससे होगा क्या, इससे कस्टमर अगर जब भी पहनता है एक बार में ही उसको अगर फिटिंग आ गई तो वो बहुत ही खुश होगा, आपसे सेटिस्फाइड होगा और वो आपके रेगुलर कस्टमर बन सकते हैं। सो आपको फिटिंग पे फोकस करना होगा। इसमें मैं दूसरी चीज आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ, इसी के अंदर फिटिंग में अगर कोई कस्टमर किसी भी ड्रेस को पहनता है और उसको बहुत ही अच्छी फिटिंग भी आई है, सब कुछ सही है आपके हिसाब से भी और उनके हिसाब से भी, नॉर्मली जो भी उन्होंने बोला सब ठीक है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है कई बार कस्टमर क्या करते हैं पहनने के बाद फिटिंग है उसके बावजूद बोलते हैं कि थोड़ा सा आप लूज कर दीजिए, अब इन द फ्यूचर इसको धोने के बाद हो सकता है ये वो, बहुत सारे बहाने भी लग जाते हैं कभी कभी। तो ऐसे में क्या होता है कि नॉर्मल में आपको गुस्सा भी आ सकता है कि मैंने बहुत अच्छे से बनाया सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी कस्टमर लूजिंग करवा रहा है और फिर पहले उन्होंने नहीं बोला, ये सारी बातें आती हैं। तो उस टाइम आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, कोई बहस नहीं करनी है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आप उनकी वो ड्रेस को कर दीजिए लूज जितना वो बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उससे होगा क्या, आपके कस्टमर हैं तो उनको एक पॉजिटिव थिंक जाएगा कि आपके यहाँ पे उनको अगर वो ड्रेस बनवाते हैं एक तो फिटिंग मिलती है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कर देते हो उनको ठीक, ठीक है। तो इससे क्या है वो पॉजिटिवनेस लेकर के जाएंगे आपके यहाँ से और आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव चीजें ही उनके माइंड में रहेगी, तो वो नेक्स्ट टाइम भी जरूर आएंगे और किसी और को भी लेकर के आएंगे। ये मेरे साथ बहुत हुआ है, मैंने भी काफी सारे कस्टमर्स के ऐसे ड्रेसेस को ठीक किया है जो बिल्कुल ठीक है, उनके हिसाब से भी ठीक है लेकिन उनको शायद कंफर्टेबल ना हो पहनने में या फिर कुछ भी ऐसे हो सकता है, तो वो मुझसे वो ठीक करवाते थे तब। तो इसी फिटिंग के रिलेटेड मेरे साथ एक चीज हुई थी, मैं एक लेडी के ड्रेसेस बनाती थी हर तरह के, ब्लाउज या फिर कोई भी ड्रेस बनवाना हो तो वो मेरे पास बनवाती थी, काफी खुश मेरी कस्टमर थी वो। तो हुआ क्या कि एक बार उन्होंने कॉलर वाले ब्लाउज बनवाया, कभी उन्होंने पहना नहीं था, कभी उनको नहीं पता कि कॉलर वाले ब्लाउज में पीछे से बंद रहेगा तो उनको अनकंफर्टेबल भी फील हो सकता है। वो लेकर के आई वो कपड़े, चार पांच ब्लाउज बनवाए, बन गए, उन्होंने पहन के देखा, फिटिंग अच्छी थी, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो एक दिन उन्होंने पहना अपने घर पे, दूसरे दिन पहना, उनको अनकंफर्टेबल फील हुआ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कभी पहना नहीं था कॉलर वाला और थोड़ी हेल्दी भी थी तो उनको क्या है पीछे से उनको बंद बिल्कुल अच्छा नहीं फील होना था और उनको ऐसा लग रहा था कि वो अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, काफ़ी बार होता है ड्रेस सिलने के बाद ऐसा फील होता है कस्टमर को अच्छी नहीं लग रही है। सो उनका मेरे पास कॉल आता है कि दीदी आपके उसमें तो कोई कमी नहीं है बट मुझे ना ये कॉलर हटवाने हैं। सो नॉर्मली वे में आप अगर सोचो कि कॉलर हटवाने हैं, एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, लेकिन गुस्सा तो आता है, ठीक है, गुस्सा नॉर्मली आ जाता है, लेकिन उस टाइम मैंने क्या किया, गुस्सा नहीं किया, मैंने उनको बहुत ही आराम से बोला ठीक है आप ले आइए मैं उनको ठीक कर दूंगी, थोड़ा टाइम मांग लिया मैंने एक्स्ट्रा में,
उनको मैंने ठीक करके दे दिया। वो खुशी कि हाँ उनका मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे ठीक हो गया। और मैंने कुछ भी उनको ऐसा सुनाया नहीं, नॉर्मली टेलर सुना देते हैं कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास और हम आपने जो कहा हमने बनाया, फिर आप बार बार वो करवा रहे हो। तो मैंने उनका वो करके दिया, वो बहुत हैप्पी थी। उससे 4-5 दिन के बाद ही उन्होंने कम से कम 7-8 ड्रेसेस और लेकर के आई थी मेरे पास। वो भी डिजाइनर ड्रेसेस बनवाना था उनके फैमिली मेम्बर्स का। तो उससे क्या, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया उनके ब्लाउजों पे, लेकिन उसके बदले वो मेरे पास और भी डिजाइनर कपड़े लेके आई, जिसमें आप कॉस्ट अपने हिसाब से ले सकते हो। सिंपल में थोड़ा कम ले सकते हो, लेकिन इसमें कॉस्ट की मेरी काफी अच्छी बचत हो गई। जो एक्स्ट्रा मेहनत उसमें की थी वो यहाँ पे मेरी मुझे मिल गई। तो ऐसे ही होता है, थोड़ा आप कहीं पर कम करते हो मार्जिन, कम मार्जिन में ज्यादा मेहनत हो जाता है, तो वो कस्टमर क्या पता आपके और कस्टमर को जोड़ दे। तो उन्हीं लेडी ने मेरे और भी काफी सारे कस्टमर्स बनाए थे, 4-5 कस्टमर्स और लेकर के आई थी। सो आपको बस ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कई बार हमें कुछ ऐसे थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना होता है, तो काम नहीं बिल्कुल शांति से आप कर दीजिए। थोड़ा सा नखरे होते हैं कस्टमर के तो उठा लीजिए, वो आपके बिजनेस में फायदे करते हैं। ऐसा नहीं है कि वेस्ट चला जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, जितना आप कर पाओ। ऐसा नहीं है कि पूरा ही ड्रेस उनको चेंज करना, हल्का फुल्का जब हो जाए तो उनको हैप्पी कर सकते हो ऐसा करके। फिर फिटिंग आप कर लिया, उसके बाद आपको डिजाइनिंग पे फोकस करना है। ठीक, दूसरी चीज है आपकी डिजाइनिंग। फैशन का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, हर कोई गांव हो शहर हो हर को डिजाइनर चीज चाहिए। तो कस्टमर्स, ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ भी आता है कि कस्टमर अट्रैक्ट कैसे होगा आपके पास। डिजाइंस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, आप डिजाइनर चीजें बनाओ। ठीक है, अगर अब तक आप सिंपल चीजें सिल रहे हो, सिंपल ब्लाउज सिंपल सूट, तो आपको थोड़ा डिजाइन के अंदर जाना चाहिए। सिंपल चीजें हर कोई सिल लेता है, घर घर में लेडीजें सिलती हैं, सस्ते में सिल जाते हैं। तो वो आपके पास अगर कोई आए तो उसको कुछ तो हटके मिलना चाहिए ना, वो आएगा क्यों आपके पास। तो पुराने कहीं वो सिलवा रहे हैं तो वहीं वो सिलवाएंगे, अगर उनको कुछ अलग नहीं मिलेगा आपके पास। तो आपको क्या करना है, डिजाइंस पे फोकस कीजिए, डिजाइंस बनाने की कोशिश कीजिए अगर नहीं आता है तो। और अगर आता है डिजाइंस तो अप टू डेट रहिए, जो भी नया ट्रेंड आता है सबको सीखते ही रहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिलाई सीख ली उसके बाद आपने सीखना ही बंद कर दिया, काफी कुछ चीजें सीखते रहना चाहिए और ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारे बिजनेस के लिए। अब आपको तीसरी चीज ये करनी है कि कुछ कपड़े लेके आइए मार्केट से, बहुत ही अच्छे डिजाइन वाले। और उसमें क्या है, आप अपने कुछ भी डिजाइनर ड्रेसेस बनाइए, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के बना के फिनिशिंग के साथ अपने बुटीक में लगा सकते हो, या फिर शॉप आपकी है तो वहां लगा सकते हो। ठीक है, आप घर में भी काम करते हो, इवन घर में भी आप काम करते हो तो आप अपने जहाँ पर सिलाई का काम करते हो वहां पर भी आपको रखना है। जैसे कोई भी नया कस्टमर आता है या कोई भी आते हैं आपके यहाँ पे मिलने के लिए, तो उनको देखना चाहिए कुछ कि हाँ कितना फिनिशिंग है, आप कितने अच्छे से काम कर सकते हो, तो वो चीज उनको देखने के लिए चाहिए होता है। तो इस तरह से कुछ ड्रेसेस आपको रखने होंगे अपने घर पे, जिससे आप सैंपल के तौर पे भी दिखा सकते हो, और रेगुलर बेस पे काम चलता है तो आप किसी कस्टमर के कपड़े भी दिखा सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो और आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।